आप बातों में इतनी मगन, आप ये भी नहीं पता कि गाड़ी आ रही है। खुदा ने खासा कर आप कुछ हो जाते। एंड मां, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यार, तुम लाइयो इन्हें। ओए, इधर क्यों बैठी हो? खाना नहीं खाना है? अंदर चलो। मुझे भूख नहीं है सर। क्यों भूख नहीं? अभी शॉपिंग के टाइम तो बड़ा चहचहा आ रही थी, अचानक से क्या हो गया एकदम से? मुझे क्या होने, बिल्कुल ठीक हूं मैं। महाम, मैं जानता हूं तुम सब कुछ मेरी मोहब्बत में कर रहे हो, मोहब्बत भी कितनी खौफनाक चीज है ना सारे। हम किसी भी अजनबी इंसान को अपना मालिक बनाकर अपनी पूरी ताकतें, चाहे वो दुख देने की हो या सुख देने की हो या उदास रहने की हो, उसे सौंप देते हैं और बदले में इससे कुछ भी तमन्ना नहीं रखते। और ये मैं तुम्हारे लिए अजनबी कब से हो गया? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ सारा। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैं ये नहीं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि तुम एक बेहतरीन दोस्त हो मेरे। लेकिन मैं शॉक में चली गई थी, सामने से गाड़ी आ रही थी और तुमने मेरा नाम लेने के बजाय, मुझे बचाने के बजाय रूमी को बचाया, उसका नाम लिया। सबके सारे मगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो तुम्हें बचाती। I'm really sorry. I swear to God, ये खुद ब खुद हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। रूमी पहले मेरे सामने आ गई, मैंने उसे हटा दिया। And I'm very sorry अगर तुम्हें बुरा लगा है माँ, इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। नहीं तो बात, जो बात तुमसे इतराफ करवाने के लिए मैं पता नहीं कौन कौन से मंसूबे बना रही थी। अल्लाह ताला ने एक लम्हे में इतराफ करवा दिया तुमसे। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर और तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे लिए है, इस पर कोई शक नहीं। मगर सारिम, रूमी तुम्हारे दिल में बसती है। I think you're overreacting right now. दूसरी बात यह कि मैंने बड़ी मुश्किलों से ही सही लेकिन अपने दिल को संभाल लिया। दिल की यही तो प्रॉब्लम है, जब वो किसी पर आ जाता है तो दिमाग किसी और चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तुम धोखा दे रहे हो खुद को सारे, ज्यादती कर रहे हो सहरिश के साथ। तुम कभी भी उसको अपने दिल में जगह नहीं दे सकते हो, कभी उसके साथ खुश नहीं रहोगे। तुमने नोट किया, जब रूमी तुम्हारे साथ होती है तो तुम कितने एक्साइटेड होते हो, कितने खुश होते हो। क्या ऐसी फीलिंग्स सैरिश के साथ आई है कभी? नहीं ना, कभी नहीं। मम, तुम मुझे कमजोर कर रही हो। मैं तुम्हें इस कमजोर सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ जिसे तुम अपनी किस्मत समझकर बैठ गए हो। अच्छा एक काम करो, आज पूरी रात इस बारे में सोचो और दिल की सुनो, फिर देखते हैं दिमाग क्या कहता है तुम्हारा। अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करते हैं। महम, सुबह मुझे जवाब चाहिए सारे। महम, क्या हो गया है?